नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका सबसे पसंदीदा और दमदार न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक, तो बिल्कुल अगले एक घंटे तक सीधे न्यूज रूम से वो तमाम खबरें जो आपके लिए जाननी जरूरी है हम आप तक पहुंचाएंगे। निदा नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निदा अहमद। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो हाहाकार मचा रहा है। इसके अलावा आपको हम दिखाएंगे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर सियासत जो है वो हो रही है। इसके साथ ही साथ और कौन कौन सी वो बड़ी खबर है जो इस एक घंटे में आप तक हम पहुंचाएंगे, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सागर, तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी कोरोना पर महामंथन को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी 3:30 बजे का वो वक्त जब करेंगे महामंथन, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी। निदा बिल्कुल, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर और अहम खबर आपके पास होगी, ड्रैगन की अकड़ तोड़ेगा गरुड़। कैसे तोड़ेगा और कैसे, इसके क्या क्या फायदे हमें होंगे और कितना सक्षम है ये, इसकी काबिलियत क्या है, सब आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए तीसरी बड़ी खबर आज के दिन की, ड्रैगन के बाद भारत जोड़ो की दिल्ली में यात्रा मुश्किल। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उसके पहले तमाम मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें क्या, न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। बिल्कुल, इसके अलावा बात होगी चौथी बड़ी खबर में, एक इजाजत जरूरी है। आखिर कौन इजाजत मांग रहा है, कौन है जो विदेश जाना चाहता है, या फिर राहत मिल रही है या नहीं, बताएंगे आपको इस घंटे में। तो चलिए आज के दिन की पांचवी और आखिरी खबर, मुंबई में लव जिहाद, किस तरह से एक प्रेमिका को पहले जाल में फंसाया गया और आगे क्या हुआ इसमें, न्यूज इंडिया इस बारे में भी बताएगा। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब से कुछ ही देर में कोरोना को लेकर एक देखिए बैठक भी होने वाली, लेकिन थोड़ी देर में लोकसभा में बयान देंगे मांडविया, देश के स्वास्थ्य मंत्री अब से कुछ ही देर में लोकसभा में बयान देंगे। निदा बिल्कुल, और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में भी बयान देंगे मांडविया। आपको बता देंगे कोविड के हालात की जानकारी जो है वो देंगे। इससे पहले कल का दिन गुजरा समीक्षा बैठक के साथ, और आज राज्यसभा लोकसभा में मांडविया जो है वो बयान देने वाले, तो बस थोड़ी ही देर में लोकसभा में उनका बयान शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 2:30 बजे का जो वक्त है वो है राज्यसभा में बयान देने का। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, देखिए अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री को, कोविड के हालात की जानकारी देंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। जिस तरह से पूरे विश्व भर में हालात इस समय बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, महामंथन का दौर भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच अब से कुछ ही देर में बोलेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री। न्यूज इंडिया आपको सुनाएगा कि आखिर क्या बयान दे रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन में, ब्राजील में, अमेरिका में हालात अभी तक जस के तस जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि कहीं से भी राहत भरी खबर जो है चीन से फिलहाल नहीं आ रही है। और अब आलम यह हो चुका है चीन में कि सामूहिक संस्कार की तस्वीरें सामने आ रही है, और सदन की कार्यवाही जो है शुरू हो गई है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि थोड़ी देर में लोकसभा में आज जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, और अब वहां की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी अहम जानकारियां हैं जो आज स्वास्थ्य मंत्री देते नजर आएंगे, क्योंकि सबकी नजर उनके बोलने पर टिकी हुई। सुनिए, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है, पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड 19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड 19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, वॉल ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है, और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियमन नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश अब दिए गए। मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे। एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। चीन का भी जिक्र किया देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, जिस तरह से वहां पर हालात बेकाबू हैं। पूरे अगर विश्व भर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा मामले जो परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, और इसीलिए भारत देश भी कोरोना को लेकर एक्टिव है। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, वो लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और कई देशों का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जहां इस समय लगभग 5 से 5.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं भारत की स्थिति यह है कि हम 1000 के आसपास हैं। तो अब ऐसे में देखिए, सतर्कता बरतने की जरूरत है। और आपको बता दें कि जो उन्होंने कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो राज्य हैं वो भी सतर्कता बरतें अपने स्तर पे। तो आपको बता दें कि कोविड को लेकर के पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो या अमेरिका हो, इन सभी देशों की स्थिति बद से बदतर है। ऐसे में भारत अब पूरी तरीके से सतर्क है। तो कोरोना पर केंद्र की पूरी नजर है इस समय, मांडविया का यह कहना। देश पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार नजर रखी जा रही है। कुछ ही देर में 3:30 बजे का वक्त होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं।
सभी राज्यों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उन तमाम राज्यों के बारे में भी आज के दिन हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी गाइडलाइन और इसके साथ ही साथ कौन कौन से राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, अभी लोकसभा में अपनी बातें कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, और अब से कुछ देर बाद यानी 2:30 पे वो राज्यसभा में भी कोविड को लेकर अपनी बात रखने वाले हैं। और अब चलिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें रही हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। खास करके चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निदा, वो बेहद डराने वाली हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत। तो वहां पर सिर्फ अब इसके मरीज नहीं मिल रहे बल्कि मौत भी लोगों की हो रही है, और आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि सामूहिक संस्कार वहां पर करना पड़ा। ये कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उनके जरिए आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना पर देश कैसे एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच जो है वो की जाएगी, मतलब कोई भी लापरवाही अब नहीं बरती जाएगी। खासतौर पर जो भी विदेश से अगर आ रहा है भारत के अंदर, सब जगह उनका टेस्ट किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भी नई SOP जारी करेगी। तो उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए इस वक्त सर्दी का मौसम है, बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं मजा लेने के लिए, बर्फबारी का मजा लेने के लिए, तो लिहाजा उन लोगों की जांच की जाएगी। ओडिशा में भी कोविड नियमों के पालन की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, तमाम ऐसे राज्य हैं, और अभी जब आपने मनसुख मांडविया को सुना उस दौरान वो ये भी कहते हुए नजर आए कि सभी राज्यों को ध्यान देने की जरूरत है, सभी राज्य अपने स्तर पर भी ध्यान दें, वो भी सतर्कता बरतें। और देखिए, सितंबर में भारत आ गया था कोरोना का नया वेरिएंट। ये जो वेरिएंट इस समय आया है BF7, ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन से भारत में हालांकि ज्यादा असर नहीं पड़ा था क्योंकि सभी लोग वैक्सीनेटेड थे ऑलमोस्ट, तो इसी वजह से उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन हमें सचेत रहने की जरूरत है निदा, क्योंकि ये जो है वो चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अब देखिए, इसी को लेकर के PM मंथन भी करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक जो है वो करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पूरी नजर है क्योंकि देश में BF7 वेरियंट के 5 केस जो है वो मिले हुए हैं, और ये चिंता का विषय है क्योंकि अब दस्तक के साथ 5 केसों का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है। BF7 वेरियंट से चीन में संक्रमण जो है वो बढ़ा है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, ये वेरिएंट खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसका जो वेरिएंट पहले था ओमिक्रॉन, उसने पहले बहुत तबाही मचाई थी दुनिया के कई देशों में, और खास करके अब इस सब वेरिएंट की अगर बात कर ली जाए तो इस सब वेरिएंट ने भी बहुत ज्यादा चुनौतियां कई देशों के लिए खड़ी कर दी हैं। अब देखिए, इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो भी इस मामले को लेकर एक्टिव है क्योंकि कोविड के मामले दुनिया के कई देशों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राजीव का हम रुक कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार जो सिलसिला है बैठकों का, मंथन का, क्या लग रहा है कि कोई जरूरी दिशा निर्देश भी, क्योंकि 3:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले हैं, आ सकते हैं कि या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जिसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आपने अभी देखा कि लोकसभा में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है, थोड़ी देर बाद राज्यसभा में देंगे, और 3:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर बैठक करने वाले हैं। यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो पहले दौर की जो महामारी थी उस समय प्रधानमंत्री एक्टिव थे तो उस समय मौत बहुत कम हुए थे भारत में, लेकिन दूसरे दौर में जब सरकार भी थोड़ी सी ढील दे दी, छूट दे दी, तो लगातार 2001 मई-अप्रैल में आपने देखा होगा मौत बहुत भारी संख्या में हुआ था, और प्रधानमंत्री इसी को लेकर चिंतित है और चाहते हैं कि कहीं पे कोई लापरवाही ना हो, और इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद वो गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया जा सकता है कि कैसे लोग अपना बचाव करें। हालांकि थोड़ी देर पहले ही जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने सभी सांसदों से अपील किया कि आप लोग पार्लियामेंट आइए तो मास्क लगा के आइए और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, दूरी बना करके रहिए, क्योंकि महामारी तेजी से फैल रहा है दूसरे देशों में और भारत में भी कब पैर पसार दे, इसको लेकर हम लोग को अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जो है आज महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं 3:30। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कई गाइडलाइन बनेंगे जो लोगों को पालन करना इसका। जी चलिए, बिल्कुल राजीव, क्या गाइडलाइन पालन हो सकती है, क्या गाइडलाइन जारी किए जा सकते हैं वो भी हम कुछ देर में बताएंगे। लेकिन नीरज, जनसंख्या के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है, स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर बैठक भी कर रहा है, यूपी में एहतियात के तौर पर क्या कदम इस समय आप देख पा रहे हैं? नीरज,
जी देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा जिस तरह से चाइना की तस्वीरें आ रही हैं, कोरिया की आ रही हैं, जापान की आ रही हैं और अमेरिका से तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको देखकर लोगों में दहशत जरूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ हाई लेवल बैठक बुलाई थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ये सभी लोग शामिल हुए थे और उसके बाद ये कहा गया कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। ठीक है नीरज, आते हैं आपके पास फिर से। तो ये स्थिति है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्टिव हैं और उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। अब चलते हैं मेहुल के पास, गुजरात की स्थिति उनसे जानते हैं। मेहुल, गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो जो नया वेरिएंट आया है उसके 3 केस तो गुजरात में आ चुके हैं, तो अब गुजरात के लिए कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियां और स्वास्थ्य विभाग वहां किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है? देखिए, गुजरात सरकार की, भूपेंद्र पटेल सरकार की ये पहली कैबिनेट थी। अभी चुनाव खत्म हुए हैं और उसके बाद मंत्रियों को जो विभागों का बंटवारा हुआ उसके बाद पहली कैबिनेट मिली और सबसे बड़ा मंथन कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को लेकर हुआ कि केंद्र सरकार किस तरह से गाइडलाइन देती है। मैं आपको बताऊँ कि ओमिक्रॉन का ये वेरियंट है BF7, वो इससे पहले डेल्टा वेरियंट आया था। डेल्टा वेरियंट की खासियत ये थी कि एक संक्रमित जो मरीज है उससे 5 या 7 लोगों को संक्रमित करता था डेल्टा वेरिएंट, पर BF7 जो वेरिएंट है वो तकरीबन 14 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इतना घातक वेरिएंट माना जा रहा है। जो विशेषज्ञ कहते हैं कि डेल्टा से, ओमिक्रॉन का डेल्टा जो वेरिएंट है उनसे दुगना घातक जो है ये BF7 वेरिएंट है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात सरकार की भी आज कैबिनेट में डिस्कस हुई है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, गाइडलाइन को लेकर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, इससे लेकर सारे जो सिविल अस्पताल हैं उनको भी प्रिकॉशनरी, सारे जो ICU हैं, उस तरह के बेड हैं जो कोविड पॉजिटिव संदिग्ध हैं, तैयारी धीरे धीरे हमारी बढ़ती चली जा रही है। हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर कोई भी आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी महामारी आती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मेहुल और क्या कहते हैं राजीव, आप लोग हमारे साथ, नीरज बने रहिएगा। फिलहाल आपको हम बता दें कि लगातार जिस तरीके से मामले चीन में पहले सामने आते हैं उसके बाद वहां पर हाहाकार मचता है और उसके बाद में जो चिंता का विषय है वो ये कि अब भारत के अंदर भी 5 मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट की, जिसकी वजह से आपको बताने कि चीन में हाहाकार है, अमेरिका, ब्राजील, सब जगह मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि 5 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लिहाजा केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है और स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भी नजर बनाए हुए। अभी लोकसभा में उन्होंने अपनी बात कही है, 2:30 बजे का वो वक्त जब वो राज्यसभा में बयान देंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए जो ये कोरोना का नया सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये, जिसने बहुत ज्यादा मुश्किलें दुनिया के कई देशों के लिए खड़ी कर दी हैं और खास करके अगर चीन की तस्वीरें कोई देख ले तो वो डर जाए। लेकिन भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और यही वजह रही कि आज प्रधानमंत्री कुछ देर बाद बैठक करने वाले हैं। इनसे पहले मनसुख मांडविया बैठक कर चुके हैं, लोकसभा में बयान दे चुके हैं और कुछ ही देर में वो राज्यसभा में भी बयान देने वाले हैं। यानी भारत सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। सागर, देखिए बिल्कुल, आज के दिन हम आपको दूसरे दौर की याद भी दिलाएंगे क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना के उस दौर ने उन परंपराओं को भी ध्वस्त कर दिया जिन परंपराओं को कभी विज्ञान ने ध्वस्त नहीं कर पाया, क्योंकि मुखाग्नि देने की जो परंपरा चली आ रही थी, लोगों की लाशों की लंबी कतारें और कई जगहों पर ऐसी थी कि लोग ये भी नहीं समझ पाए कि हमारे लोग कौन से हैं। आइए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कोरोना विस्फोट किस तरह से अन्य देशों में हो रहा है। चीन के बाद जापान, अमेरिका में भी इस समय कोरोना बम फूट पड़ा है और वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चीन की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहां पर मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में पूरे अगर हम बात करें देश भर की, विश्व भर में, तो 5.37 लाख मरीज मिले हैं पूरे विश्व भर के अंदर। इसके साथ ही साथ 1,396 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पूरे विश्व भर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने जिक्र किया कोरोना विस्फोट। इसके साथ ही साथ लोगों की मौत के आंकड़े तो सामने आए, पिछले 24 घंटों में जापान में 2.6 लाख मामले सामने आए। आंकड़े चौंकाते, हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि चीन में इस तरह से कोरोना ने त्राहिमाम मचाना शुरू कर दिया कि सारे सरकारी सिस्टम वहां पर ध्वस्त हो गए। 296 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। जापान, अमेरिका, जो तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से बैठकों का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, टेस्टिंग का ये दौर चीन में
इस समय लोगों की लंबी कतारें और वहां पर इस समय शमशान घाटों पर लाइनें भी लगी हैं। निधा बिल्कुल, अब तो किस तरीके से कोरोना जो है वो बेकाबू हो रहा है, आइए कुछ ग्राफिक्स उनके जरिए आपको समझाते हैं। चीन के बाद दरअसल जापान फ्रांस में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन मामलों पे इजाफा हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू रफ्तार जो है वो पकड़ता चला जा रहा है। चीन में BF.7 वेरियंट के कहर से पूरी दुनिया जो है वो सहमी हुई है, क्योंकि ये वेरियंट बहुत खतरनाक है। सागर, देखिए अगर हम बात करें, चीन में 80 करोड़ लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, ये हमने एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं, और अगर चीन में वाकई में 80 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ गए तो सोचिए अन्य देशों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, सामूहिक अंतिम संस्कार की नौबत आ गई है, अस्पतालों में जगह नहीं है। सामूहिक अंतिम संस्कार का मतलब आप समझते हैं कि परेशानी वेरिएंट, ये बीमारी कितनी बड़ी है, और साथ ही साथ आलू से बुखार उतारने को फिलहाल माँ जो है वो मजबूर है, क्योंकि अस्पताल में बच्चे को ले जा नहीं सकती, वक्त पे उसे इलाज दिला नहीं सकती, लिहाजा देसी इलाज जो भी बता रहा है तो अपने लाल, हमारा लाल ठीक रहे, हमारी औलाद ठीक रहे, हमारा बच्चा ठीक रहे, वो तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, महामारी के अंत की अभी घोषणा करना जल्दबाजी होगी, WHO का ये भी कहना है। चलेंगे न्यूज रूम की तरफ जहां पर है सहयोगी अभिषेक के पास बड़ी खबर। अभिषेक, तो देखिए सागर, बड़ी खबर ये है कि जो तस्वीरें और ग्राफिक्स आप बता रहे थे कि चीन में क्या स्थिति है, इसी वजह से भारत सतर्क हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद, यानी कि 2:30 बजने वाले हैं, और 3:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। दरअसल जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, खास करके चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, और इसके अलावा USA में जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़े हैं, हालांकि ब्राजील में भी केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब पूरी तरीके से सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 पर एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें वो कोविड के हालात की समीक्षा करेंगे, और जो तैयारियां हैं उसकी रिपोर्ट भी वो तमाम अधिकारियों और सभी जो अधिकारी हैं और खास करके जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे वो तमाम अपडेट्स लेंगे। वापस चलते हैं सागर के पास। सागर, तो चलिए बिल्कुल, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं जिस तरह से अभिषेक ने जिक्र किया कि अब से कुछ ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, लेकिन कौन कौन से नियम जो जारी हो सकते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य किया जा सकता है, ये वो निर्णय जो बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, बैठक में यह भी फैसला लिया जा सकता है, हालांकि कई राज्यों में लागू भी हो चुका है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गाइडलाइन जारी भी कर दी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी रैंडम टेस्टिंग के लिए ऐलान किया जा सकता है, गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बूस्टर डोज में तेजी लाई जाएगी, ये जानना आपके लिए देखिए बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें बूस्टर डोज की, तो केवल हिंदुस्तान की 27% आबादी है जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है, ये चिंता का विषय है। निदा बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, नीरज, राजीव और मेहुल। आपको बता दें कि जगह जगह से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, 3:30 बजे बैठक का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या फिर से एक बार हम उन पाबंदियों की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या किसी तरह का कोई ऐलान इस बैठक के बाद उम्मीद की जाए? बिल्कुल, उम्मीद यही है कि इस बैठक के बाद जो भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2020 में कोरोना महामारी जब पहले दौर में आई उस दौरान भी प्रधानमंत्री एक्टिव थे और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि जन हानि न हो, जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, बाकी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर लेंगे। और थोड़ी सी ढील सरकार की तरफ से दी गई थी दूसरी लहर में, तो मौत की संख्या बढ़ गई थी, इसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही चिंतित थे, और इस बार भी वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, वो चाहते नहीं है कि किसी तरह से जनता को परेशानी हो, लिहाजा अभी से तो हर चीजों को जो है। बिल्कुल राजीव, लौट कराऊंगा, बात अगर हम करें नीरज, लेकिन लखनऊ में कई लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से आते हैं, उनके लिए क्या कोई गाइडलाइन अभी जारी की गई है क्या? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच के लिए कहा गया है कि अगर वो एयरपोर्ट से आते हैं, और ख़ासतौर पर उन देशों से जहाँ पर ये कोरोना का नया वेरिएंट फैला हुआ है, तो उनकी जांच यहाँ पर ज़रूर की जा रही है, और उसके बाद ही उनको घर के लिए भेजा जा रहा है, यानी जाँच कराने के बाद ही वो अपने घर जा सकते हैं। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है योगी सरकार, केंद्र से भी निर्देश आने वाले हैं, उसके अलावा पहले से ही ये तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेड आरक्षित करने के लिए कह दिया गया है, और आज मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है। नीरज, राजीव और मेहुल, आप हालातों पर नजर रखिए कि राज्य में कैसे अलग अलग जो बातें निकल
निकल करके सामने आ रही है, राज्य सरकारें कितनी तैयार है, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के। लेकिन आप तीनों अपना भी बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि फील्ड में रहते हैं आप लोगों के लिए भी एहतियाती कदम जो है उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है। देश में पूरी दुनिया में हो रहे हैं प्रतिदिन जिसके सामने कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। 5.87 लाख जापान के नए केस, साउथ कोरिया दर्ज हो रहे हैं, से जापान, ग्रीस, कोरिया, इटली जैसे देशों में कोविड 19 के केसों में, जैसे देशों में से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि और देखी जा रही है की संख्या में पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। चीन में बड़ी तादाद कई दिनों से कोविड के केस में भी चीन में खबरें बड़ी तादाद छप रही है। कोविड के केस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छप रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ ऑल ऑफ गवर्नमेंट से ही एंड ऑल ऑफ सोसाइटी महामारी का मैनेजमेंट किया है। शुरू से ही और इनके बहुत अच्छे परिणाम महामारी का मैनेजमेंट मिला है और इनकी सहायता के अलावा हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग पिक की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है, उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियमन नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। धन्यवाद। श्री राग एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
तो कोरोना पर केंद्र की पूरी नजर है ये कहना मनसुख मांडविया का, राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए गए। आपने सुना क्या जिक्र किया देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, ताजा हालात पर केंद्र की सरकार की पूरी नजर है, एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी। अब से कुछ ही देर में 3:30 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी भी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं कोरोना को लेकर। 250 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं, ये भी कहना देश के स्वास्थ्य मंत्री का। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात कही है और कोविड को लेकर के ही राघव चड्ढा बोल रहे हैं, उनको सुनवाते हैं। हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तिरुचि शिवा। थैंक यू सो मच सर। सर द लास्ट लाइन ऑफ द मिनिस्टर स्टेटमेंट कन्वेज समथिंग। तो देखिए सुझाव जो है वो भी आ रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे राघव चड्ढा को जो ये कह रहे हैं कि जो विदेशों से खास करके चीन जापान जैसे देशों से जो फ्लाइट्स आ रहे हैं उन फ्लाइट को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब देखिए मनसुख मांडविया ने जो बातें कही वो बेहद अहम रही हैं।